सो हेलो एंड वेलकम बैक, आई एम डॉक्टर राहिल चौधरी, आई डॉक्टर, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। आज के वीडियो में मैं आपको सारा दिखाने वाला हूं कि चश्मा हटाने का जो लेटेस्ट लेजर ऑपरेशन है, जो अभी अक्टूबर 2023 में लॉन्च हुआ है सिल्क के नाम से, ये सिल्क ऑपरेशन कैसे करा जाता है और कैसे हम इस ऑपरेशन से पेशेंट के चश्मे का नंबर पूरी लाइफ के लिए ठीक कर देते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने आपको पुरानी वीडियोस में दिखाया है कि ये जो ऑपरेशन है ये दो स्टेप्स में करा जाता है। तो पहला स्टेप जो है वो सिल्क वाली मशीन में होता है और उसके बाद सेकंड स्टेप के लिए हम आपको दूसरी टेबल पे शिफ्ट करते हैं, जहां पे आंख में जो लेंटिक्यूल बना है उसको निकाला जाता है। तो अभी तक मैंने आपको थोड़ा सा बाहर से दिखाया था, आज जो मैं आपको दिखाऊंगा वो माइक्रोस्कोप व्यू दिखाऊंगा कि जब हम ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो एज अ डॉक्टर, एज अ सर्जन, मुझे आंख में क्या दिखता है और आंख में एग्जैक्टली ऑपरेशन हम कैसे करते हैं जिससे चश्मे का नंबर ठीक हो जाता है। देखिए, ये वीडियो जो है कुछ लोगों के लिए डरावनी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए सेंसिटिव हो सकती है, तो इस वीडियो को देखने से पहले अपने विवेक का इस्तेमाल करिए। इसमें सर्जरी का रियल स्टेप्स मैं दिखाने वाला हूं, तो कुछ लोग इस वीडियो को देख के थोड़ा सा घबरा सकते हैं, तो वीडियो को देखने से पहले अपना थोड़ा सा विवेक का इस्तेमाल करें। तो मैं आपको दिखाता हूं ये ऑपरेशन अब होता कैसे है। तो देखिए, सर्जरी शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको सर्जरी का एनिमेशन समझाना चाहता हूं। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग लेजर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम आंख की काली पुतली पर एक पतला सा टिश्यू का टुकड़ा, या जिसको लेंटिक्यूल भी कहते हैं, उसको बना लेते हैं। इस लेंटिक्यूल में आपके चश्मे की पावर है। इसके बाद हम आपको दूसरी मशीन पर शिफ्ट करते हैं, जहां पे एक पतले से इंस्ट्रूमेंट से काली पुतली के अंदर ये जो हमने लेंटिक्यूल बनाया है इसको ऊपर और नीचे से सेपरेट कर लेते हैं और फिर एक छोटे से फोर्सेप से काली पुतली के अंदर से इस लेंटिक्यूल को निकाल देते हैं और आपके चश्मे का नंबर पूरी लाइफ के लिए ठीक हो जाता है। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं फर्स्ट स्टेप कैसे किया जाता है। फर्स्ट स्टेप का भी माइक्रोस्कोप वाला व्यू दिखाऊंगा और फिर सेकंड स्टेप का भी माइक्रोस्कोप वाला व्यू दिखाऊंगा। ड्रॉप डाल दिया, दोनों खोल के बच्चे सामने देखते रहना, शाबाश। सो थोड़ा सा मैं अब आपको ये स्क्रीन वाला स्टेप दिखा देता हूं कि कैसे हम लोग आंख में लेंटिक्यूल बनाते हैं। सो ये आप देख सकते हैं, लेजर जो है काम कर रहा है और आंख में एक लेंटिक्यूल को बना रहा है। तो फर्स्ट आई का स्टेप, फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है और अब हम साथ साथ ही दूसरे आंख में भी फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट कर लेंगे। सो अब हमारा फर्स्ट स्टेप यहां पे कंप्लीट हो गया है और अब हम पेशेंट को दूसरी टेबल पर शिफ्ट करेंगे, जहां पे सेकंड स्टेप को कंप्लीट करा जाएगा। तो अब हमने पेशेंट को सेकेंड टेबल पर शिफ्ट कर दिया है। अब यहां पे मैं आपको जो माइक्रोस्कोप जो मैं देख रहा हूं मशीन में और ऑपरेशन कर रहा हूं, तो जो माइक्रोस्कोप से मुझे दिखता है और ऑपरेशन एग्जैक्टली आंख में कैसे करा जाता है वो वाला स्टेप मैं आपको अब दिखाने वाला हूं। सो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि जब हम पेशेंट का सिल्क ऑपरेशन में फर्स्ट स्टेप करते हैं, तो फर्स्ट स्टेप के बाद अब पेशेंट को सेकंड टेबल पे हमने शिफ्ट कर दिया है और ये जो आप देख रहे हैं ये मेरे सेकंड टेबल का माइक्रोस्कोप का व्यू है। मतलब मैं जो आंख को जिस तरह से देख रहा हूं, इतनी बड़ी सी आंख मुझे दिख रही है माइक्रोस्कोप में, उसका ये व्यू आ रहा है। अब देखिए, ये आपको देखने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा कि ये आंख के ऊपर क्या सफेद सफेद सा हो गया। कुछ लोगों को ये डरावना भी लगेगा, पर ये बिल्कुल घबराना नहीं इससे,
ये जो वाइट वाइट आप देख रहे हैं बेसिकली ये हवा के बुलबुले हैं। तो जब हम लेजर पुतली पर डालते हैं तो जब लेजर काम करता है तो पुतली के अंदर हवा के बुलबुले बन जाते हैं, और अभी जब हम इस लेंटिक्यूल को निकालेंगे तो ये सारे बुलबुले जो हैं ये खत्म हो जाएंगे और कॉर्निया दोबारा जो है बिल्कुल क्लियर या साफ हो जाएगा। सो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस लेंटिक्यूल या जो टिश्यू के टुकड़े को हम आंख के अंदर बनाते हैं और इसको निकालने से चश्मे का नंबर ठीक हो जाता है, तो ये टुकड़े को निकाला कैसे जाता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने ये जो छोटी सी साइड में 2-3 मिलीमीटर की ओपनिंग है इसको खोल लिया। अब मैं एक इंस्ट्रूमेंट से आंख के अंदर जा रहा हूँ और जो इस लेंटिक्यूल का ऊपर वाला हिस्सा है जो एंटीरियर प्लेन है उसको मैंने इंस्ट्रूमेंट से खोल दिया, सारा डाइसेक्ट कर दिया। तो इस समय आपको लग सकता है कि आंखों के ऊपर कुछ वाइपर जैसा चल रहा है, थोड़ा सा आंखों को लग सकता है कि प्रेशर भी आ रहा है, तो उससे बिल्कुल घबराना नहीं, वो नॉर्मल है। तो एक बारी मैंने ऊपर वाला प्रॉपरली खोल लिया चारों डायरेक्शंस में, अब मैं नीचे वाले प्लेन में जा रहा हूँ और इस प्लेन को भी मैंने अच्छे से पूरा एंड टू एंड खोल लिया। तो अगेन जब मैं इसको कर रहा हूंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि आंख के ऊपर कुछ वाइपर जैसा चल रहा है, तो आपको घबराना नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। तो अब आप देख सकते हैं ऊपर वाला प्लेन भी पूरा खुल चुका है, नीचे वाला प्लेन भी पूरा खुल चुका है, और अब जो इस टिश्यू का टुकड़ा हमने पुतली के अंदर बनाया था इसको बाहर निकालना है। सो मैं एक छोटे से पतले से इंस्ट्रूमेंट से आंख के अंदर जा रहा हूं और ये जो लेंटिक्यूल या टिश्यू का टुकड़ा बनाया है इसको प्यार से पकड़ के आंख से निकाल दूंगा। तो बस अब हमारा ऑलमोस्ट सर्जरी खत्म हो गया है। अब एक बारी हम लोग इस लेंटिक्यूल को चेक कर लेंगे कि ये टिश्यू का टुकड़ा पूरा निकला है, ऐसा तो नहीं है कि निकालते हुए कहीं टूट गया, हालांकि पूरी डाइसेक्शन होती है तो ये कभी नहीं टूटता। और एक बारी हम बस आंख को अच्छे से वॉश करके साफ करके बस ऑपरेशन खत्म हो जाता है। तो बस इतना सा ऑपरेशन होता है, अगले दिन पेशेंट की नजर बहुत साफ हो जाएगी और हफ्ता 10 दिन में जो छोटी मोटी सूजन आएगी आंख में वो भी टाइम के साथ ठीक हो जाएगी। सो अगर आप वीडियो के इस हिस्से तक पहुंच चुके हैं इसका मतलब पूरी सिल्क सर्जरी आप देख चुके हैं, एंड जिन पेशेंट की सर्जरी हो रही थी शिवा मेरे साथ हैं और सबसे पहले हम शिवा की नजर को टेस्ट करना चाहते हैं। शिवा एक बार बच्चे ऊपर से लेके लास्ट लाइन तक 7532403705 7524307 4375207। वेरी नाइस। सो हम देख सकते हैं पहले दिन ही पेशेंट की नजर बिल्कुल परफेक्ट 6x6 आ गई है और हफ्ता 10 दिन में जब थोड़ा सा आंखों की सूजन वगैरह ठीक हो जाएगी तो नजर और बेटर हो जाएगी और पेशेंट सुपर विजन जो 6x5 विजन मिलती है हमें सिल्क में वो भी पेशेंट देख पाएंगे। अब देखिए दोबारा मैं आपको ये बताना चाहता हूं, सर्जरी देखते हुए आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, थोड़ा सा सर्जरी दिखने में डरावनी लगती है। मैंने आपको दिखाया था कि जब हम लेजर डालते हैं तो आंख पे बिल्कुल सफेद सफेद हो जाता है, काली पुतली में हवा के बुलबुले आ जाते हैं जिससे छोटे 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 वाइट वाइट स्पॉट्स दिखते हैं, लेकिन अगले दिन तक जो आंख है वो पूरी सेटल हो जाती है और बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो कल आपने आंख देखी थी जिसमें वाइट वाइट दिख रहा था आपको, वो आज सुबह बिल्कुल सेटल हो गई है, और मैं दिखाता हूँ आज सुबह आंख हमारी कैसे दिख रही होती है। शिवा एक बार यहाँ पे आना, बच्चे जो दिखाना मुझे एक बार, अभिषेक इधर आ जाओ थोड़ा ब्रॉड बीम में, राइट। सो अभी मैं आपको दिखाता हूं आज सुबह आंख कैसी दिख रही है, थोड़ा फोकस पीछे। सो ये आप देख सकते हैं आज सुबह आंख बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल चिट, जैसे लग ही नहीं रहा कि ऑपरेशन आंख में हुआ भी है। अच्छा अब मैं आपको एक बार लेफ्ट आई दिखा देता हूं। सो आप देख सकते हैं कल जो माइक्रोस्कोप में आप देख रहे थे जब लेजर के बाद मैंने आपको आंख दिखाई थी, उस टाइम पे आंख बिल्कुल सफेद सफेद लग रही थी क्योंकि उस टाइम आंख में हवा के बुलबुले थे जो लेजर से बन जाते हैं। और आज आप सुबह देखिए आंख बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल चिट,
क्लीन आई, जैसा देख के लग ही नहीं रहा कि कल इस तरह का भयंकर ऑपरेशन हुआ है। सो दोबारा मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो सिल्क सर्जरी है ये देखने में थोड़ी सी डरावनी लगती है, लेकिन इसके रिजल्ट्स जो हैं वो लेसिक से भी बेटर है, कंट्यूरा से भी बेटर है, स्माइल से भी बेटर है, हर चीज से बेटर है। मतलब बेसिकली ये सर्जरी तो मेरी आज की डेट में फेवरेट सर्जरी हो गई है। थैंक यू।